आयकर विभाग ने राजा बलवंत सिंह ऑडिटोरियम हॉल में अपना 165वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके बच्चों ने एक से बढ़कर एक गीत पर डांस कर सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधान आयकर आयुक्त एस नैयर अली नजमी मौजूद रहे। RBS डिग्री कॉलेज में राजा बलवंत सिंह ऑडिटोरियम हॉल का नजारा आयकर विभाग के आयोजित सांस्कृतिक संध्या से रंगीनमय हो गया। हॉल में एक ओर जहां प्रधान आयकर आयुक्त एस नैयर अली से लेकर अन्य अधिकारी मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर एक से बढ़कर एक गीत संगीत का जादू बिखर रहा था। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर बार खोल के गगन गए। आयकर विभाग ने अपना 165वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान एक से बढ़कर एक गीत संगीत की प्रस्तुतियां दी गई। भारत सरकार के खजाने में राजस्व देने वाले इस विभाग ने शाम को रंगीनमय बनाते हुए सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। अधिकारियों कर्मचारियों ने शानदार गीत नाटक प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। अधिकारियों कर्मचारियों और बच्चों के प्रदर्शन पर खूब तालियां बज रही थी। प्रधान आयुक्त एस नैयर अली नजमी ने अपना संबोधन शेरो शायरी से किया। कमेंट है कि अजमतें अपने चरागों की बचाने के लिए हम किसी घर में उजाला नहीं होने देते। आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले, बहुत अच्छा शेर है कि आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले घर में हम साए के फाका नहीं होने देते। आज इनकम टैक्स डे है, आयकर दिवस 165वां 24 अप्रैल 2024 को हम 165वां आयकर दिवस मना रहे हैं। पूरे भारत में सभी आयकर कार्यालयों में और सभी स्टेशनों पे ये कार्यक्रम हो रहा है विभिन्न तरीके से। आज सुबह हमने वृक्षारोपण का भी एक कार्यक्रम किया जिसमें हमने फलों के बहुत सारे पेड़ लगाए, और आज ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमने कम से कम 20 पौधे लगाए। और आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें डिपार्टमेंट के ही सारे जो कर्मचारी अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य और विशेषकर छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस विशेष मौके पे हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के स्टेज पर थिरके कदमों के साथ शानदार डांस और बड़ों के शानदार गीत से स्थापना दिवस में चार चांद लग गए। इसके साथ ही दिलीप गुप्ता अजय दुबे के शानदार भजनों ने बैठी हुई महफिल में समा बांध दिया। सबसे ज्यादा लोटपोट कर देने वाला नाटक तो 50% के डिस्काउंट पर बिकने वाले दूल्हे थे जो स्टेज पर लगाई गई कई हाट में उपलब्ध थे, लेकिन सेल्समैनों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी केवल डॉक्टर दूल्हा ही बिक पाया। आयकर विभाग का 165वां फाउंडेशन डे है, इस उपलक्ष्य में देश भर के समस्त कार्यालयों और आयकर विभाग के जब जितने भी भवन हैं वहाँ पर सब सजाए गए हैं उनको, और ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं सभी जगह। काफ़ी जगह पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए, हमारे CBGT के चेयरमैन ने सभी को संदेश दिया ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की भागीदारी हो। 165वें स्थापना दिवस के मौके पर आयकर विभाग के प्रधान आयकर आयुक्त और सभी अधिकारियों ने शानदार सांस्कृतिक संध्या आयोजित कर सभी को स्टेज पर आने और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका दिया। इस तरह के कार्यक्रम से एक दूसरे के बीच आपसी तालमेल और नजदीकियां बढ़ती हैं। CNews के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।